हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल सौरभ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कहूंगी हाउ टू हैक सेकेंड हैंड मोबाइल। फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे हैं सेकेंड हैंड मोबाइल हैक करके आपको क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, ये हैकिंग नहीं है, ये वीडियो है हैकर से कैसे बचना है। ठीक है, तो इस वीडियो बेसिकली उसी लोगों के लिए जिस लोग बहुत सारे लोग हैं जो टीनेज है, उस लोग क्या करते हैं नया नया मोबाइल खरीदते बेचते एक काम करते हैं उसी लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं जो आप लोग जो एक नया मान लीजिए आप लोग एक नया मोबाइल खरीद लिया है, ठीक है, उसके बाद वन मंथ यूज किया, उसके बाद आपको बेच देना है। वो क्या करते हैं आप लोग बेसिकली उसको हार्ड रिसेट मार देते हैं, ठीक है, उसके बाद बेच देते हैं। ठीक है, उसका कोई डेटा नहीं रखते है। आप लोग सोचते हैं ये बात, बट उसके बाद आप लोग जानते हैं जो मोबाइल का अंदर एक छोटा सा मेमोरी रहता है, ठीक है, उसको डेटा रहते हैं जिसको हार्ड रिसेट कर देता है और रिमूव होता है, बट वो 100% रिमूव नहीं होता है। किसी हैकर ने आपका वो मोबाइल खरीद लिया, उसके बाद वो चाहते हैं तो आपका वो टैलेंटेड है तो वो चाहते हैं तो वो हैकिंग अच्छे से जानते हैं तो आप चाहते तो आपका पूरा पूरी के पूरी पहले जो हार्ड रिसेट मार दिया उसी पूरी की पूरी डिटेल्स निकल सकते हैं और उसको हैक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो बैंक अकाउंट नंबर दिया है, आधार कार्ड नंबर दिया है, और भी बहुत सारे अकाउंट है आप लोग जानते हैं, जो छोटा वॉलेट एड्रेस भी सब कुछ हो सकते हैं, जैसे आपका बिटकॉइन वॉलेट है, चैमकॉइन वॉलेट है, ठीक है, वो बहुत सारे वॉलेट है, ठीक है, और भी पेपल है, बहुत सारे है, ठीक है, वो आप चाहते हैं तो आपका टोटली हैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली उसी के लिए मैं तरफ से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आपका वो सेकेंड हैंड मोबाइल आपका फर्स्ट हैंड मोबाइल नहीं बेचे कहने। और जिस लोग सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं बहुत सारे लोग सस्ते के लिए पैसे बचाने के लिए, उसको मैं रिक्वेस्ट करते हूँ जो प्लीज सेकेंड हैंड मोबाइल मत खरीदे। ठीक है, आप पहले जो यूज किया था उसके पास सभी आपका आईपी एड्रेस सभी डेटा उसने रख दिया है, तो आप लोग जानते हैं जब बहुत सारा सिस्टम आया है बेसिकली हैक कर सकते हैं आपका पूरी डिटेल्स, मोबाइल का पूरी डिटेल्स उसका पास आ जाता है सिर्फ एक जीमेल आईडी और पासवर्ड का थ्रू और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप जो मान लीजिए फर्स्ट एक सेकंड मोबाइल खरीद ले उसके बाद आपका पूरी डिटेल्स बैंक अकाउंट सभी उस पर एंट्री कर दिया है, आप यूज करते हैं, ठीक है, बट वो पहले जिसका मोबाइल था वो मोबाइल वो उसका पास पूरी डेटा है, वो जब भी चाहते हैं आपका पूरी पैसा निकल सकते हैं। ठीक है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये 100% लीगल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इसी पकड़ चक्कर पे मत पड़िए, और आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जिस लोग नया है इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए व्हाइट हैट हैकिंग टेक्नोलॉजी के मतलब हैकिंग से कैसे बचे इसी प्रकार वीडियो को पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।